बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव घातक विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह का आया तूफान, तो वही तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। जो आज तक बड़े से बड़े घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए वो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। पहला और दूसरा T20 का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे और तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने तूफान ला दिया, कोहराम ला दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दो T20 लगातार मुकाबले हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे। तीसरे T20 मुकाबले के टॉस जीतकर काफी ज्यादा बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि हम पहला और दूसरा T20 का मुकाबला हारे हैं लेकिन तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम को हरा देंगे और 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे, तो शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी रही। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते बिलखते नजर आए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को ताश के पत्तों की तरह समेट कर रख दिया। मैदान पर सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और पहले ही एक ओवर में 14 रन समेट लिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। यशस्वी जायसवाल काफी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो वहीं दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। शुभमन गिल भी और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 2 आसमानी गगनचुंबी छक्के यशस्वी जायसवाल ने फिर ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 4 ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 1 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर 10 रन फिर बटोर लिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को 5वें ओवर की 4th बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि शुभमन गिल आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने यहां पर 6 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धोने लगे, लेकिन फिर भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 7वें ओवर की 4th बॉल पर 52 यानी कि 52 रन ठोक करके आउट हुए। जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि 8वें ओवर की 2री बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 21 रन ठोक करके विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए जो मैदान पर बल्लेबाज आया उसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि T20 का कप्तान सूर्य कुमार यादव है। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने पहले 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर
लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए। लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी और खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव तो तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 3 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक शेरों की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर काफी ज्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करे तो करे कैसे। भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाज यहां पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और एक दूसरे की मदद से तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए बांग्लादेश का एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के हाथों में रही और सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया और बची हुई 3 बॉल पर लगातार 3 चौके ठोक दिए। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 28 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान तो वहीं टीम इंडिया के फैंस भी हैरान थे। सूर्य काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और आक्रमण और विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज कांप उठे। बांग्लादेश के गेंदबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार सूर्य के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जलजला ला रही थी। हार्दिक पांड्या ने यहां पर 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन फिर ठोक दिए। लेकिन फिर आप सभी को बता दें, 14वें ओवर के बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर हार्दिक पांड्या 632 यानी कि 62 रन ठोक करके आउट हुए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह वो घातक वो विस्फोटक बल्लेबाज है जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह अगर पिच पर मैदान पर पहुंच गया तो समझ लीजिए भारतीय टीम उस मुकाबले को 100% जीत लेगी। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जलजला लाने लगी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान टॉस जीतकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यही सोच रहे थे कि भारतीय टीम को हम यहाँ पर 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे, लेकिन शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफ़ी रही। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहाँ पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और यहां पर 1 कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों का सामना करे तो करे कैसे। भारतीय टीम का जो भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आ रहा था वो बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तो वहीं यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों और कप्तान को जमकर के दौड़ाला और यहां पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने दोहरी शतकीय पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और
कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर उतरी तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए, तो भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन यहां पर दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 6 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने यहां पर एक विकेट चटकाते हुए 16 रन दे दिए। चौथा ओवर लेकर के गए रवि विश्नोई ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटका दिया। लेकिन भारतीय टीम ने 8वें ओवर जाते जाते बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को चित कर दिया था, लेकिन फिर भारतीय टीम की यहां से उल्टी गिनती शुरू हो गई। बांग्लादेश के दो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो काफी मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर के बादशाह, यानी कि भारतीय टीम इंडियन टीम जब जब मुसीबत में पड़ी है टीम इंडिया मैचेस में, तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यॉर्कर के बादशाह यहां पर जसप्रीत बुमराह संकट मोचन बनकर के आए हैं। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया और यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। हर्षदीप सिंह ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक गेंदबाज रवि विश्नोई ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटकाते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और हमारी भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए तीसरा टी20 का मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।